सो सारे दोस्तों को वेलकम टू दिस सेकंड सेशन ऑफ फ्रीडम पेरेंटिंग. और लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि पेरेंटिंग क्यों सीखना है. श्रवण भाई ने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी बताई थी और इससे एक बात हम समझ चुके थे कि पेरेंटिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेल्फ डेवलपमेंटल एक्टिविटी है. हम सीखते हैं इसमें और ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स हैं नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सभी बातें हमने समझी थी और हमको लगा था कि ये बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है. अगर हम पेरेंटिंग सीखते हैं तो फायदा ही फायदा है. तो उसी से हम आगे निकलते हैं, अभी अभी आगे चलते हैं. और दूसरी बात ये भी मुझे बतानी थी कि ओएसिस फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स जो करता है वो 2 दिन की इंटेंसिव प्रोसेस होती है और उसमें हम 2 दिन में पूरी ये समझ जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, साइकोलॉजी समझना चाहते हैं बच्चों की और खुद के अप्रोच के बारे में, तो वो हम 2 दिन में कुछ स्पर्श कर पाते हैं, कुछ टच कर पाते हैं. वरना ये पूरा जो सब्जेक्ट है इट्स वेरी वाइड ओपन. जैसे साइकोलॉजी की बात है तो पेरेंटिंग साइकोलॉजी की जो बात है वो काफी लोगों से काफी लोगों उसके टच में नहीं ही आते, पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम नहीं आते हैं. तो ये सब्जेक्ट भी बहुत क्या बोलते हैं एक्सकेवेशन हुआ नहीं है. तो हम सब यहाँ पे एक को लर्नर की हैसियत से इकट्ठा होते हैं. तो शायद हमने थोड़ा डिगिंग किया है तो हम थोड़ा बहुत शेयर कर पाते हैं आपके साथ, वरना सभी के लिए ये एक चैलेंजिंग सबसे बड़ी जिम्मेदारी और एक अनएंडिंग प्रोसेस है, उसमें सीखते रहना. तो ये था लास्ट वर्क यानी जो लास्ट हमारी लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसका बैकग्राउंड है. चरण भाई मेरे साथ ये पूरी प्रोसेस में जुड़े हुए हैं. उन्होंने अब उनके 3 रोल हैं, वो पेरेंट भी है, वो स्कूल के ट्रस्टी है जहाँ पे वो संचालक है और अपना स्कूल चलाते हैं अच्छी तरह से, और तीसरा उनका रोल है एक फैसिलिटेटर है फ्रीडम पेरेंटिंग हमारी वर्कशॉप के. सो उनकी जर्नी काफी रोचक है, काफी कुछ उनसे सीखा भी है और उनकी जर्नी कंटिन्यूस हम देखते भी जाएंगे. तो आज क्या करेंगे, जय भाई ने बताया कि हम सीधे जंप करेंगे कि ये बच्चों को फ्रीडम देनी है कि नहीं. पर ये सवाल आने से पहले मुझे कुछ कहना है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं एक बेसिक स्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर देते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम समझ नहीं लेते हैं, तब जाके हम वो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें वो भी हम समझ पाएंगे. सो विदाउट गेटिंग द बेसिक थिंग्स हम ये अप्रोच अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं. शायद हम उसको पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद ये पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में लेंगे. हमारा ये जर्नी पूरा 10-12 वीक चलने वाला है, तो एक के बाद एक प्रॉब्लम भी लेके हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. क्योंकि मैं सही बताता हूँ कि हम सब इसमें लर्नर्स हैं. ओके, सो जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटिंग सीखना मतलब हमें अपने बच्चों के साथ क्या सही करना है वो समझना. बच्चे जो भी करते हैं
वो कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मुश्किलियां खड़ी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, पर हमको क्या करना है, व्हाट इज अवर स्टैंड, हमको सही करना है हर टाइम हर जगह अपने बच्चों के साथ, तभी जाके हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा दे पाएंगे जो शायद, यस, किसी दो तीन पेरेंट्स ने हाथ ऊपर किए हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। जय भाई, यस, कुछ पेरेंट्स ने हाथ खड़ा किया है। तो उनको उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि यस, एक 10-15 मिनट का बैकग्राउंड लेने के बाद आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, हम एब्सोल्युटली, सभी क्वेश्चंस को लेंगे, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, थोड़ा एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हम ये सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो यस, विल इट बी फेयर इनफ? या दैट्स टोटली ओके। ओके, फाइन फाइन। सो रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को कि होल्ड योर क्वेश्चंस अंटिल वी कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, इट विल बी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम सब्जेक्ट्स, और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पेरेंटिंग में हमको क्या सही करना है, वो हमारी जर्नी रहेगी, पर सबसे पहले हमको ये समझना है ये पूरे चैप्टर में कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं उसमें क्या सही नहीं है वो समझेंगे, तो सही क्या करना है वो हमारा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक पेरेंटिंग के रोल में, एक माँ बाप की भूमिका में हम क्या क्या गलतियां करते हैं वही देख लेते हैं पहले। तो अगर ये अप्रोच ऐसा है कि क्या नहीं करना है वो समझ में आ जाता है, तो क्या करना है वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो पहले वो साइड देख लेते हैं कि क्या क्या गलतियां अभी एक कॉमन फैमिली में, एक पेरेंट्स पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं वो। तो उसमें कुछ कैटेगरीज में अपने आपके साथ वो गलतियां क्या होती है एक कॉमन फैमिली में, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बेसिक होती है, जो प्रमुख गलतियां होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले उसमें वही आता है कि बच्चे के सर्वांगी विकास के लिए पेरेंट्स जिम्मेदारी नहीं लेते, उनकी भूमिका जो है उसमें उनके पास बच्चों के विकास के लिए जो अधिकार है वो छोड़ देते हैं, मुझे नहीं करना है, अंदर से हो जाता है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बहुत कुछ करने का है, मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता और कोई कर ले तो अच्छा है, फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग है वो कर ले, या मामा मामा मामी है, या चाचा चाची है, या कोई और कर ले, हम वो छोड़ देते हैं। अपना अधिकार है जो बच्चों को सबसे बढ़िया, हम बोलते हैं जिसमें संस्कार देना है या उनको ग्रो होने में सबसे बड़ी मदद करनी है, वो जिम्मेदारी हम छोड़ देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, जो प्रमुख गलतियों में से एक है। आई थिंक ये तो सबके लिए क्लियर होगा। दूसरा है कि काफी सारे पेरेंट्स अभी ये नए जनरे 21st सेंचुरी में दोनों कमाते हैं, दोनों बाहर जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, दो एंड्स को मीट करने के लिए बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अगर समय देते हैं तो वो क्वालिटी वहां मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरी प्रमुख गलतियों में से एक है कि अगर बच्चे हैं तो क्यों ना उनको समय दे के अच्छी तरह से उनकी परवरिश की जाए। हमको लगता है कि उनको जो सुविधाएं दे देनी है वो हमने दे दी तो हो गया काम, पर वैसा नहीं है। हम उसमें ऐसा सोच लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। श्रवण भाई ने बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हैं, स्कूल में काम करते हैं, तो
एग्जाम्पल्स भी उनके पास काफी सारे होंगे, शायद आप बीच बीच में कुछ शेयर कर सकते हैं। जय भाई, यस श्रवण भाई को अनम्यूट करना है। यस हाँ 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 यस यस ये बच्चों को वक्त देना बहुत जरूरी है मेहुल भाई, मैंने महसूस किया है मेरे काफी सारे वर्कशॉप में जो पेरेंट्स आते हैं और जब उनकी बात रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स है, फिर भी मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कि जैसे कि मेरी सोसाइटी में है या आसपास की सोसाइटी में मेरे दोस्तों में है, तो वो उनको दूसरे लोगों के साथ टाइम, जैसे कि हम बोलते हैं कि सोसाइटी में नीचे बैठना है, बाहर घूमना है या फिर कुछ पॉलिटिक्स की बात करनी है, वो सारे चीजों के लिए समय मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए एक आध घंटा भी देना नहीं होता है उनके पास और बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है। और बच्चों को समय देना मतलब उनकी बातें ध्यान से सुनना, उसकी बातों का स्वीकार करना, उसकी लागणी, उसका इमोशंस को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें शायद होती है और ये बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। बच्चों को समय देने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि खाली बच्चों के साथ रहना है। ओके तो यानी के ये प्रमुख गलतियों में से दूसरी गलती है। हम आगे चलते हैं, हम बच्चों के लिए एक माँ बाप, जो लास्ट टाइम भी श्रवण भाई ने बताया था कि माँ बाप उनके भगवान होते हैं, माँ बाप उनके लिए सब कुछ होते हैं, उस टाइम पे वो माँ बाप की और एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि मुझे कैसा बनना है, मेरे पापा जैसा बनना है, मेरी मम्मी जैसा बनना है। अगर हम जो तीसरी गलती वो ये करते हैं कि हम अच्छे रोल मॉडल नहीं बन पाते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी जो मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है, उसके सामने कैसे डटकर हम तो काम करते हैं, कैसे सामना करते हैं, वो बच्चे देख के खुद सीखते हैं कि जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। जब हम भी वहां पे वीक पड़ जाते हैं, हम ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते अच्छी तरह से, जब हम ही कुछ नहीं कर पाते तो बच्चे क्या देखेंगे, उनके रोल मॉडल का क्या होगा, उनके प्रभु यानी ईश्वर का उनका जो पिक्चर है वो कैसा होगा। ये तीसरी गलती है जहां पे बच्चे के सामने उनके माँ बाप एक वीक एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है वर्कशॉप में या अपनी आजू बाजू की लाइफ में कि माँ बाप खुद के हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ भी करते वो माथा यानी वो मान ही लेते हैं कि मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को संभाल के रखे, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सब गलतियां मत करो जो मैं कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो ये थर्ड प्रमुख गलती है कि जो हम एक एग्जाम्पल सेट करने से चूक जाते हैं बच्चों के सामने। वो तो हर रोज देखते रहते हैं कि मेरे पापा क्या करते हैं, ये हुआ क्या करते हैं। बच्चा झूठ बोलता है। यस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9, 10, 11वीं और 12वीं जब बच्चे टीन एज में हो जाते हैं और उनको उनके एडिक्शन के लेकर, व्यसन को लेकर बहुत सारे हमारे पास ऐसे बड़े बच्चों का कंप्लेन आता है और जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और बाद में उनके निजी जीवन में हम थोड़ा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति, मम्मी या पापा, कोई ना कोई व्यसन करते हैं और फिर बच्चा धीरे धीरे देखते देखते सीख गया है। तो ये रोल मॉडल बनना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हो। सही बात है। ये तीसरी गलती है कि हम अच्छे रोल मॉडल नहीं बनते। चौथी प्रमुख गलतियों में से एक है कि बच्चों को देखने का हमारा नजरिया, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां निकाल के उसको डांटना, समझना कि वो कुछ नहीं कर पाते, कितने शैतान होते हैं बच्चे, उनको कुछ आता भी नहीं होगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। ये क्रिटिकल व्यू है जो हम अपने बच्चों को हर बार देखते रहते हैं, उसे कुछ सही नहीं होगा, तो चुप बैठ, तेरे से नहीं होगा, ये सब कुछ कंटिन्यूस घर में चलता रहता है और ये
अपना बच्चों को देखने का जो नजरिया होता है ना, उसमें ही कमी है। हमारे पैरालिंग ही कुछ ऐसे बन गए है कि ये बच्चे हमको सुकून नहीं दे पा रहे हैं। वो शैतानी है और वो शैतानी ही करेंगे। सो ये एक चौथी गलती है प्रमुख गलतियों में से, कि हमारा नजरिया क्या है बच्चों को देखने का। बराबर। अभी दूसरा क्या होता है कि ये चार प्रमुख गलतियां तो हम करते ही हैं, साथ में घर के माहौल के बारे में बात करते हैं कि घर के माहौल में, माहौल एक अच्छा सा बच्चे को सीखने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कैसी गलतियां करते हैं, माहौल कैसा होना चाहिए जो नहीं है आजकल। तो घर के माहौल में सबसे पहला आता है कि एक डर सा बना रहता है घर में। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल से घर आता था, अगर पापा घर पे हैं तो सीधे संभाल के जाना, कुछ ज्यादा आवाज नहीं करना और जाके अपने बुक्स वगैरह रख देना, एक डर का डर सा माहौल। वो डांटेंगे या कुछ बोलेंगे, और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा डर बना रहे, क्योंकि डर बने रहने से बच्चों की मस्ती शैतानियां कम हो जाएगी और वो चुपचाप जो अपना काम करना है वो करेंगे। सो वो भी ऐसा चाहते हैं कि डर बना रहे, किसी एक का, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का डर बना रहना चाहिए, वरना वो हाथ से चले जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा कुछ डर सा हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम बच्चों के आसपास एक डर का माहौल रखना चाहते हैं। एक दूसरा घर के माहौल के बारे में हम जो गलतियां करते हैं आमतौर पे, कि घर में बड़े लोगों के बीच में, यस श्रवण भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? यस यस, कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये डर की जो बात है उसका एक मेरे पास एग्जांपल है कि हम लोग जब छोटे थे और हम लोग जब खेले करते थे हमारी सोसाइटी में, मेरा एक निजी दोस्त था, तो उसको उसका घर का माहौल एकदम डर से भरा हुआ था, और जैसे ही उनके पापा का मोटरसाइकिल का आवाज आता था उसको दौड़ के अपने घर में चला जाना होता है और वो किताब कापी लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। लेकिन वो बाद में मुझे जब शेयर करता था ना, उसने पूरा जीवन में कभी भी सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर पाया वो, क्योंकि वो डर इतना था उसके पापा का कि वो दिखावा कर रहा था। तो ये जिसके घर में भी डर का माहौल होता है ना, वहां पे बच्चे दम्भी हो जाते हैं धीरे धीरे होके, और झूठ बोलना भी चालू कर देते हैं, और ऐसा मैंने अनुभव किया। सही बात है, सही बात है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमको क्वेश्चंस लेने हैं और उसके बारे में डिस्कशन भी करनी है। तो दूसरा एक ऐसा भी होता है कि घर में हंसी मजाक मस्ती का एटमोस्फियर बच्चों को नहीं मिलता है, कुछ गेम्स खेलनी है, कुछ फन का माहौल है वो भी नहीं, भारी भरकम वातावरण बनाए रखते। तो जो बड़े लोगों को चाहिए ऐसा आराम वाला, सुकून वाला एटमोस्फियर मिलता रहे, इसलिए वो कभी ये सब होने को देते ही नहीं है। पर वो हमारी एक बड़ी गलती है माहौल नहीं क्रिएट करने की। एक और बात है कि घर में एक भारी शिस्त का वातावरण हम खड़ा कर देते हैं, अगर यहाँ रहना है तो ये करना पड़ेगा, यही होगा, हमारे घर में ऐसा ही चलता है, बड़ों के सामने नहीं बोलते, कोई मेहमान आता है तो ऐसे बिहेव करते हैं। ये एक ऊपर से थोप दी गई शिस्त को हम घर के वातावरण में ऐसा रिचुअल की तौर से बना देते हैं कि बच्चा जो फ्रीली ग्रो होना चाहता है, फ्रीडम से कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने अंदर की जो बोलते हैं ना लाइवलीनेस है उसको बाहर लाना चाहता है, रोबोट बना देते हैं बच्चों को। सही बात है। सो ये भी एक गलती है, बड़ा सा शिस्त का, भारी सा शिस्त का वातावरण बनाए रखना अपने घर में। एक और घर के वातावरण में हम गलती वो कर देते हैं कि
फैमिलीज की हम कुछ मिल के वैल्यूज नहीं बनाते कि जी कुछ हिसाब से हम जीना चाहते हैं, ऐसे अगर वैल्यूज बनाई हैं तो बड़े ही पहले तोड़ते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी पे है, वो जो भी कुछ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं। सो ये वाला माहौल घर में होता है तो वो बच्चों को फ्रीली ग्रो होने में मुश्किलियां खड़ी करता है। सो ये माहौल के तरीके से घर के माहौल के अंदर जो गलतियां हम करते हैं वो है। अब नेक्स्ट हम एक और पहलू को देख लेते हैं कि परवरिश में हम क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। सी ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब हमको अगर देखते हैं कि अगर नहीं करते हैं तभी जाके हम सही क्या करना है वो कर पाएंगे, ठीक है। सो कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों में पनिशमेंट मिलती है बच्चों को, और वो माहौल उनके विकास के लिए सही नहीं है। ये परवरिश में गड़बड़ हो जाती है पूरी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कुछ सही सीखे, अपने जिंदगी में कुछ अच्छा सा करे, तो छोटी छोटी बातों में पनिशमेंट, और पनिशमेंट का एक माहौल जो डर का माहौल मैंने पहले बताया था ऐसा खड़ा कर देती है। श्रवण भाई, यस, मैंने अक्सर टीन एज में जो माँ बाप हमको मिलने के लिए आते हैं उनकी समस्याएं मैं सुनता हूँ, तो उसमें ऐसी समस्या आती है कि 13 साल के बाद हमें बच्चों का मित्र बन के रहना चाहिए लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। तो जब घर में बचपन से डर का माहौल रहा है और अचानक 13 साल के बाद माँ बाप ऐसा सोचेंगे कि अभी हमारा बच्चा टीन एज में आ गया और हम उसके मित्र बने, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए उसको जब बच्चा छोटा है तब से ऐसा फ्री एटमोस्फियर रखना चाहिए, जैसे आपने बताया हंसी मजाक वाला थोड़ा वातावरण होना चाहिए, इतनी सजा गंभीर नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा खुल के अपनी सारी बातें माँ बाप के साथ शेयर करेगा और बचपन से ही अच्छा मित्र बन के रह सकता है। सही बात है चरण भाई, उसी के साथ जुड़ा है एक दूसरा पहलू कि हम अपने फैमिली के तौर तरीकों के लिए बच्चों को जबरदस्ती कुछ सिखाते हैं, उसके ऊपर ठोक देते कि ये तो आपको सीखना ही है कुछ भी हो जाए। जैसे मेरी एक वर्कशॉप में एक डॉक्टर सर्जन आए थे, उन्होंने आके पहली कंप्लेन ये की थी कि मेरी लड़की जो 14-15 साल की है वो हमारे फैमिली में जो ईश्वर की प्रार्थना वगैरह करते हैं हर रोज सुबह काम के या पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं तब, तो वो नहीं करती है, वो मना करती है, उसको ये करना ही है क्योंकि उसको ये हमारे घर में रहना है तो उसको ये सीखना ही पड़ेगा कैसे करना है क्यों करना है, उसको रट के उसको यहाँ पे जाके बोलना है, ये सब उसको करना ही पड़ेगा। तो ये जो माहौल होता है जबरदस्ती सिखाने वाला वो बच्चों को रोकता है, वो पेरेंट्स और बच्चों के दिल में बच्चों के बीच में दीवार खड़ी करता है, बच्चे कभी भी फ्री नहीं हो पाते। श्रवण भाई ने बताया वही हो जाता है कि वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से। एक और परवरिश में गलतियां हम तो वो करते हैं कि बच्चे छोटे हैं उनकी भावनाओं को हम नजरअंदाज करते हैं, उसको डर लगता है, वो रोता है कभी, उसको किसी से जलन होती है, उसको किसी के साथ झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, तो ये सब भावनाएं उनके लिए बहुत मायने रखती है। हमारे लिए तो क्या बच्चों की गेम्स खेल रहे हो ये सब कर रहे हो, पर हम कभी भी उसको उसके अंदर जाके देखने की कोशिश नहीं करते ये क्यों डर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको किसी से जलन क्यों हो रही है, हम कभी भी अंदर नहीं जाते। तो हमको लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा ना तो हो सब कुछ वो संभालना सीख जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को अपने बच्चों के भावनाओं को कद्र भावनाओं की कद्र करनी है और उसके साथ रहना है, वो हम समझते हैं, पर ये हम नहीं करते हैं, वहां हम बड़ी एक गलती कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा छोटा सा शेयर करूंगा मेहुल भाई के। मेरे घर में एक बार मेरा बच्चा है 8 साल का, उसके दोस्त खेलने के लिए आए थे और
मेरी मम्मी ने उनको थोड़ा बोल के बाहर निकाल दिया कि आप बहुत आवाज कर रहे हो, बाहर चले जाओ। हमारे घर में थोड़ा डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर हमने बनाया है। रात को जब हमारी मीटिंग हुई फैमिली की, तो मेरे बड़े बच्चे ने आवाज उठाया कि मुझे ये मेरी जो बा है उसके ऊपर एक बात बोलनी है और एक मेरी कंप्लेन है। उसने बताया कि जब आप लोगों के मित्र आते हैं घर में और आप सब बातें करते हो, तो मैंने कभी आपके मित्र को ऐसा बोला है कि आप घर के बाहर चले जाओ? और आज जब मेरे मित्र आए थे, मेरे दोस्त आए थे, तो बा ने बिना मुझे पूछे उनको घर से बाहर निकाल दिया। उसकी भावना को कितना चोट पहुंचा होगा, उसके इमोशन को कितनी ठेस पहुंची होगी। तब मेरी मम्मी ने उसको उसके इमोशन को स्वीकारा कि हाँ बेटा, तुझे सही में बहुत दुख लगा है, मैं तेरी माफी मांगती हूँ और दूसरी बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने, और उससे साथ जुड़ा है रिस्पेक्ट। बच्चे हैं, छोटे हैं, हम समझ लेते हैं कि वो ना समझ है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो रिस्पेक्ट रहती है वो चली जाती है। तो ये बच्चों की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट जो आपने बताया श्रवण भाई ने, कि उसके भी फ्रेंड्स है, उसकी भी समझ होती है, वो भी देखता रहता है, तो उसके भी ओपिनियंस होते हैं, उसकी भी पसंद नापसंद होती है। क्या हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं? जब हम नहीं करते हैं तब उसको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है फैमिली में। सो बच्चे भी इंसान हैं, उसको इंसानों की तरह रिस्पेक्ट चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे ही पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, पर जब पेरेंट्स की बात आती है बच्चों को रिस्पेक्ट करने की, तब ये चला जाता है, तू छोटा है, तुझे क्या समझ है, तू ना समझे, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, यही हो जाता है। बीजू भाई बधेका ने बहुत अच्छी लाइन बताई है मेहुल भाई, कि बच्चे आखिर में छोटे मनुष्य ही है। सही बात है। हाँ। और आगे चलते हैं, अभी एक दो चार मिनट और लूंगा मैं। सबसे अहम गलती हम जो ये करते हैं कि अपने सपने, अपनी अपेक्षाएं बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। देख बेटा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं कॉलेज में जाऊं, डिग्री लूं और डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके दिखाऊं, मैं नहीं कर पाया, तुझे करके दिखाना है मेरे लिए, यू हैव टू डू दिस। तब ये बात आ जाती है, तब बच्चा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, उसको क्या करना है वो पूछा भी नहीं जाता है, और ये उसके सर पे थोप दिया जाता है, तुझे यही करना है। तो ये गलती बहुत अहम हो जाती है। फिर जाके 30-40 साल के बाद जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बूढ़े हो चुके होते हो, तब जब बात निकलती है तो और वो रिग्रेट करता है कि शायद मैंने ये करके ये किया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। तब जो दुख होता है उसको फिर से हम रिवर्ट कभी नहीं कर पाते, और उसी दुख में पूरी जिंदगी भी निकल जाती है। सो ये एक बड़ी गलती हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। युवा बच्चों के साथ एक गलती हम ऐसी भी करते हैं कि कई फैमिलीज में पूरा कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर रहता है, बाहर नहीं जाना है, 6 बजे घर में ही आ जाना है, लड़की है तो बहुत ज्यादा। और दूसरी ओर कई फैमिलीज में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेते, तुझे जो करना है कर, कब आया, कब गया, किसके साथ घूमता है, ये करता है, मुझे कोई इंटरेस्ट, मैं अपने काम में जुड़ा हूँ, तू अपना फोड़ ले। वो एक बाजू कंट्रोलिंग हो जाते, दूसरी बाजू दूसरी ओर वो पूरा कंट्रोल के बाहर, यानी सब कुछ करने देते। तो ये जो बैलेंस हम नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते, वो जो बैलेंस की बात है वो हम नहीं करते, वो हमारी गलती है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट तो यही बैलेंस है ना, कि बैलेंस करना ही सबसे डिफिकल्ट है, वही हम छोड़ देते हैं। एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं यहाँ रुकता हूँ। कई पेरेंट्स बच्चों को अपने से अलग नहीं देख सकते, उसको घर से बाहर नहीं जाने देते, यानी घर से बाहर मीन छोड़ के कहीं और जगह पे जाके वो पढ़े लिखे कुछ करे, ऐसा वो रोकते हैं उनको कि नहीं,
तुझे यहीं रहना है, हमारे पास ही रहना है, तू एक ही है हमारे फैमिली में, तुझे कुछ हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ मिला के बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने से रोकते हैं, अपने अपने साथ बांध के रखने के लिए बोलते हैं। सो ये भी एक गलती है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। लास्ट में एक बात लास्ट में यही बोलूंगा कि जहां घरों में दो तीन भाई बहन होते हैं, वहां पे उनके बीच में झगड़े होते हैं, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कर लेंगे, हमको क्या बीच में पड़ने की जरूरत है। तो ये भी एक गलती है, किसी एक का पक्ष लेना सही नहीं है, पर उनके बीच में एक अच्छा सा माहौल बने उसके लिए इंटरवेंशन करना है, वो भी पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी होता है, उसका एक कर्तव्य होता है, वो भी कई जगह पे हम नहीं देखते। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम फैमिलीज में करते हैं। अगर हमको सही क्या करना है सीखना है, तो सबसे पहले हम कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी ये गलतियां करते हैं। मैंने एक छोटा सा, वैसे बड़ा लिस्ट बनाया है बताया है, पर ये भी एक बहुत छोटा सा लिस्ट है, आप उसको भी एक्सपांड कर सकते हो कि हम पेरेंट्स होके कहाँ कहाँ पे गलतियां कर सकते हैं। तो ये एक चीज जो मैंने आपके सामने रखी, जो एक बात रखी कि ये सारी गलतियां हम एक कॉमन फैमिली में देखते हैं, तो उसके उसके साथ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, यही बात हम बताना चाहते हैं। और श्रवण भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, वरना हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर के सेशन पे जाते हैं, उसमें ही फिर कुछ होगा तो मैं श्योर, ओके ओके, सो यस जय। जिन किसी को भी सवाल है, बहुत सारे लोगों ने सवाल चैट बॉक्स में लिखे हैं, तो यस, आप हैंड रेज कर सकते हो प्लीज, ताकि हम आपको अच्छे से देख सके। तो प्लीज रेज योर हैंड, वहां पे नीचे एक फीचर होगा, आप तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो आप कहीं पे फीचर होगा, आप हैंड रेज कर सकते हो। एंड आप चैट में भी लिख सकते हो, अगर हैंड रेज आपको नहीं पता कैसे करते हैं, देन यू कैन आल्सो राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी आज बच्चे यूथ जुड़े हैं, हर बार हम आपको पहला मौका देते हैं बोलने के लिए, लेकिन आज पेरेंट्स का दिन है तो आज उनको पहला मौका ठीक देंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपका मौका आने के लिए। जस्ट अ मिनट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिन्नी नायक। सो बिन्नी नायक जी, आपको यहाँ से हम अनम्यूट करें, आपके दो सवाल है, आप दोनों एक साथ जल्दी से पूछ लेना ताकि हम आगे दूसरे सवाल भी ले सके, और जितना कम शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सको उतना बेहतर है। बिन्नी जी, आपको से अनम्यूट किया है, आप वहाँ से अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें, आपके सवाल भी फैसिलिटेटर्स एड्रेस कर सकें। हेलो, और यस हेलो सर। यस, हेलो, आप वीडियो अगर ऑन कर सके तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। सर आपके आसपास थोड़ी आवाज आ रही है, अगर आप ऐसी कोई जगह हेलो, पे, यस यस आप पूछ सकते हो। सर, मेरी डॉटर 14 इयर्स की है। यस उसकी उसकी मतलब स्किल सेट है कि वो बहुत अच्छी है ड्राइंग में, बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो इंटरेस्टेड जरा भी नहीं है कि वो उसे डेवलप करे फॉर हर फ्यूचर। एंड ओके दूसरा मेरा सवाल है, मैं ऐसा हर बार फील करती हूँ कि वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, मतलब हमेशा अपनी हार्ट से कम सोचती है और माइंड से ज्यादा सोचती है। मतलब तो ये मुझे थोड़े दो हमेशा बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे ये दोनों सवाल। तो अगर वो चित्र यानी ड्राइंग अपनी परस्यू करना नहीं चाहती, तो आपको समस्या क्या है? वो एक स्किल है उसके पास जो वो नहीं, मतलब वो वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो वो आपका नजरिया है ना कि वो वेस्ट हो जाएगा, यस वो यस आप आपके पैराडिम है कि ये उसको करना चाहिए और उसको उसको परस्यू करेगी तो वो बहुत अच्छी पेंटर बनेगी और उसकी करियर बहुत अच्छी बन जाएगी, पर उसका तो है नहीं। तो ये तो वो वाली बात हुई ना कि उसके अंदर अच्छाई मैं देखती हूँ,
तो उसको यही करना चाहिए, पर ये अपनी सोच को उसके ऊपर थोपना नहीं हुआ। ये भी मैं हर बार फील करती हूँ, जब भी मैं उससे बोलती हूँ कि आप करो करो, तो मुझे पता चलता है कि मैं उसे प्रेशराइज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कर देती हूँ मैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रेशराइज करने से उसके अंदर एक विद्रोह उठता है। एग्जैक्टली, हाँ, मैंने भी वजह से वो परस्यू नहीं कर रही है, उसकी वजह से वो शायद परस्यू नहीं करी, वो भी हो सकता है। तो मुझे छोड़ देना चाहिए अभी, आपके पास ही जवाब है। सिर्फ मुझे वो चाहिए था कि कंफर्मेशन चाहिए था कि हाँ ये मैं ठीक सोच रही हूँ ना, कि भाई मुझे अभी छोड़ देना चाहिए वो। हाँ, अगर से उसको भी पता है, से आप समझते हो 14 साल की लड़की को पता ही होता ही है कि मेरे अंदर क्या है, स्किल्स है, वो इतनी तो समझ उसके अंदर डेवलप हो ही चुकी होती है, तो अभी उसके ऊपर ही छोड़ते हैं। ठीक है बिंदी जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मेहुल भाई ने जो बोला उसमें, कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी कैपेबिलिटी देख सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड साइन एज अ पेरेंट, सो वी मस्ट अप्रिशिएट यू। बट अगर आप ऐसा भी कुछ देख सको, आप उसको बता सको कि शी वांट्स टू परस्यू, देन शी विल परस्यू करना है, आप उसको बताओ कि आपका ये अच्छा है, एंड देन अगर उसकी इच्छा है तो आगे जा सकती है। सो दैट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव। थैंक यू। सर मेरा दूसरा सवाल भी है थोड़ा। आई फील कि वो बहुत ज्यादा मतलब दिमाग से सोचती है, हार्ट से कम सोचती है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे बहुत परेशान करती है चीज। इसमें एक चीज ऐसी है कि आपको उसके बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया। जब बच्चा छोटा होता है तो ये सब नहीं सोचता है, सही है, तो ये चीज उसके अंदर कहाँ से आई, वो इंट्रोस्पेक्शन आप करोगे और उसके रूट में जाओगे तो शायद आपको क्लू मिल जाए कि क्यों ऐसा हुआ। अगर क्लू मिलती है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से राइट नाउ, बिकॉज आप जो बता रहे हो उसको फेस वैल्यू लेके हम जब बात करते हैं तो यही हमको, क्योंकि उसके उसके लिए बच्चे को भी मिलना पड़ता है कभी कभी कि क्या हुआ, मिलना पड़ता है। आप सबसे क्लोज हो, आप सब में से आप सबसे क्लोज उसके हो, उनके हो, तो आप ही सोचो कि कहाँ से आया, क्यों आया ये, और कब आया, क्या हुआ उसके साथ। यस ओके, ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। श्योर, और हम हर वीक मिलते रहेंगे, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताना दोनों चीजों के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज आकाश गुप्ता। आकाश, आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज। हेलो, यस आकाश जी। जी, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा आपसे, कि अगर आप आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एंड समवॉट एक तरह से कुछ अपना एक मन की बात कहना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट आई एम बैचलर, बट फिर भी बच्चों को मैं ध्यान से देखता हूँ, और अगर आप देखें तो आप हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में देखें जो जितने भी सक्सेसफुल हुए थे, तो अगर आप देखें उनके पेरेंट्स के अगर इम्पोर्टेंट रोल को देखें, तो आज के पेरेंट्स ये देखते कि पहले जो सक्सेसफुल हुए या बिजनेस में या कोई भी किसी भी क्षेत्र में, तो उनसे ये दिखता है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन ये नहीं दिखता कि उनके पेरेंट्स का भी कितना बड़ा रोल हुआ है। हम उनसे भी नहीं सीख पाते, अगर उनसे अगर सीखना शुरू कर लिए तो ज्यादा, तो आज के टाइम में भी ज्यादातर जो चिल्ड्रन है वो गलत राह पे भी नहीं जाएंगे, एंड अपने जो अस्तित्व है उसकी भी सम्मान करने लगे। आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि हम सोसाइटी के नजर से देखते, कि हम सोसाइटी में ये देखते कि हमारे जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में कैसे एक दूसरे के ऐसा काम करें कि जिससे सोसाइटी में हमारा नाम खराब नहीं हो, तो उस डर में क्या है कि हम बच्चों का भी हम जो करते वो भी सब वेस्ट हो जाता है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को भी कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई पेरेंट्स भी क्या है वो कहते हैं कि हम बच्चों को सब सुख सुविधा देते, सब देते, लेकिन ये नहीं देखते कि वो ऐसी गलती करते कि बच्चों का भविष्य
खराब हो सकता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को हम कैसे समझे, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी गलती नहीं मान पाते इस चक्कर में, बच्चों को सिखाने में ज्यादा लगे रहते लेकिन खुद नहीं सीख पाते। ओके, तो उसको एक ही तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि जो मेरे मुझे समझ में आता है कि उनको समझाए कि अच्छे पेरेंट्स बनना क्या होता है, वो एक चीज है। और दूसरी ये है कि बच्चों, अभी हमारा जो फोकस होता है वो ये पूरे सेशन का वो पेरेंट्स के ऊपर है, तो ठीक है। तो बच्चे बड़ों से सीखे, वो ऐसा माहौल घर में बनाना ही पेरेंट्स का काम है। ऐसे ही पेरेंट्स बनना है कि बच्चे उनसे सीखे। आपने बताया कि बच्चे सीखते नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें पेरेंट्स वो अच्छे रोल मॉडल नहीं हो पाते हैं, वो प्यार से बच्चों की बातें नहीं सुनते, उनकी समस्या है या प्रॉब्लम से उसको कभी अपना हार्ट नहीं देते। तो ये गलतियां हो सकती है, तब माहौल ऐसा बनता है घर का कि वो सीख नहीं पाते हैं। तो अभी बच्चों को बाजू में रखते हैं, हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं आपने बताया, तो सीखना तो है ही, और मुझे अपने बच्चों के लिए सही करना है, वही तो सीखना है। तो हम बताना पड़ेगा उन पेरेंट्स को, उनको जो पेरेंट्स ऐसे हैं उनको बताना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? थैंक यू आकाश फॉर योर क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंपल जी, आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना सवाल रख सकते हो। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी 5 इयर्स की डॉटर है, और मतलब वो इतनी मतलब उसको ऐसा डर है कि अगर मैं कहीं चली गई तो 5 मिनट के लिए भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती। और पहले भी वो ऐसी थी पर थोड़ी कम थी, पर जब से ये 1.5 ईयर से घर पे है तब से फुल मतलब डर गई। अगर घर से बाहर जाने की बात भी आती है तो रोने लगती है, अगर मेरी बात आती है इतनी ज्यादा डर गई है। अब कभी कभी पेशेंस रखती हूँ पर कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते उसको छोड़ के। तो तुम्हें इस टॉयलेट जाना सिचुएशन हो में तो क्या? भी मुश्किल हो जाती है। नहीं नहीं अच्छा घर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर तो से ठीक है, बाहर कहीं नहीं। मैं तो नहीं। ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि मम्मी टॉयलेट के या बाथरूम गई है फिर भी रोने लगते हैं, ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने। अरे नहीं, घर से बाहर जाना है तो प्रॉब्लम है। इवन प्रॉब्लम पापा है। हो फिर भी उसको हर वक्त यही चाहिए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, डरती बहुत ज्यादा है। श्रवण भाई, आपका 4 साल का ही लड़का है ना, आप बताइए। अभी लास्ट फ्रीडम पेरेंटिंग जो वर्कशॉप वडोदरा में हुआ था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर कपल थे और उनका प्रश्न भी ऐसा ही था कि मेरी बच्ची बहुत डरती है। तो 2 दिन के वर्कशॉप के बाद उनको पता चला कि वो जो कहानी बता रहे थे ना बच्चों को जब रात को सोने के टाइम पे, तो उसमें उन्होंने एक पात्र ऐसा खड़ा किया था, मुझे अभी उसका नाम नहीं आ रहा है, तो वो पात्र जब कहानी में आता था ना तब बच्चा सो जाता था। रण सिंह हो या ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया था पात्र का, उसके बड़े बड़े सींग है, ऐसे वर्णन करते थे माँ बाप बच्चों के पास, और वो बच्चा तब सो जाता था। उसकी मम्मी ने इंट्रोस्पेक्ट करके वो निकाला कि हाँ अभी मुझे पता चल रहा है कि ये जो कहानी में बच्चा डर जाता है उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। तो ऐसा आपको कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो क्यों डरा हुआ है आपका बच्चा। और दूसरी बात श्रवण भाई, मैं बताना चाहूंगा डिंपल जी को कि बेसिकली ये जो डर पैदा हुआ है वो कुछ उसके साथ हुआ है, तब बच्चे के अंदर डर आ गया है कि मम्मी नहीं बाहर जाएगी तो उसको कुछ हो जाएगा, मम्मी वापस नहीं आएगी, या कुछ भी कहीं से तो उसके अंदर इनपुट गया है ऐसा। ठीक है, आप हर रोज बाहर जाते हो, अगर काम करते हो या कुछ काम नहीं करते, घर के खरीदी करने यानी मीन्स परचेस करने के लिए बाहर जाते हो, तो ये सब वो देखते हैं पर वो डर नहीं जाता है। तो आपको उसके अंदर थोड़ा डीप में जाके समझना पड़ेगा ये डर कहाँ से आया है, कब आया है, और उसके लिए उसके साथ
बातचीत करो उसको, अपने पापा के साथ छोड़ के कभी जाओ, थोड़ा रोएगी डरेगी, फिर पापा समझाएंगे। सो यू एंड योर हस्बैंड बोथ, उनको दोनों मिलके ये भूमिका निभानी है कि उसके अंदर का डर निकल जाए कि मम्मी अगर गई तो वापस आएगी, वो अच्छी होगी, उसको कुछ नहीं हुआ होगा, और वो जिंदगी से नहीं जा रही है, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही है। ये डर दूर करने के लिए आपको दोनों को मिलके थोड़ा काम करने का काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। पहले तो कहाँ से आया है वो देखना पड़ेगा, बाद में थोड़ा उसके डर के ऊपर काम करने के लिए ये सब रोल प्ले करना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, ये नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र जी हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ यस सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ तो सर, मेरा एक प्रैक्टिकल ये है कि जो 3-3.5 साल की बच्ची है वो हाई एनर्जेटिक है, और वो ऐसे मतलब जैसे जंप करना बेड पे से या सोफे पे से, वो लगातार ऐसे काम करती है जो रिस्की है। और उसको मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बच्चों के साथ काफी काम किया है मैंने चाइल्ड एजुकेशन में, तो मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा डर है वही उसका मजा है, है ना। जैसे किचन में जाके ड्रॉ खोल के उसमें बैठ जाना जहाँ सिलेंडर रखा होता है, या बेड पे से कूदना, या सोफे पे से हमेशा उल्टी तरफ से उतरना। तो क्या कुछ एक दो प्रैक्टिस ऐसी हो सकती है जो समझाने से अलग हो, क्योंकि मुझे उम्र भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से समझाया जाए, जिससे वो थोड़ा सा मतलब वो रिस्क कम हो जाए, मतलब उसका मजा भले ही बना रहा है और तरीके से, लेकिन मेरी रिस्क कम हो जाए। तो कुछ सजेशन हो सकते हैं क्या? यस, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि इतने छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, तो हम ऐसा ही कर सकते हैं कि जितने भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यू है वो जो साधन है उसको दूर कर दिया जाए और बच्चों को खेलने देना चाहिए। बाकी जो सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यू है, ऐसे ऐसे जो भी आपके घर में ऐसी चीज है उसको बच्चे से दूर रखिए खाली, बस। दूसरा तो मुझे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। हाँ। सही बात है, श्रवण भाई ने बताया कि वो चीजें दूर ही रख दो। पर वो तो जनरल रूप में सर, बेड नहीं हटाया जा सकता, मतलब नहीं नहीं, बेड की बात है तो आपको डर लगता है कि बेड के ऊपर से नीचे जंप करेगी तो उसको पांव में मोच आ जाएगी या लग जाएगी, ठीक है? आज तक हुआ है? अभी तो बहुत सारा जंप किया होगा उसने। हाँ हाँ हाँ। अब तक तो कर ही लिया होगा। लगा भी है, सारे काम हो भी चुके हैं। तो श्रवण भाई ने बताया कि जितना हो सके इतना दूर करो अपना चीजों को जो लग सकती है ऐसी तरह से, और कभी कभी एक चीज ऐसी भी होती है कि उसको अटेंशन चाहिए तो सब ऐसा करते हैं, ज्यादा मस्ती वगैरह करते हैं तो उसको अटेंशन चाहिए आपका या आपकी वाइफ का या घर में जो भी सभ्य है उनका। तो कभी कभार उसको अटेंशन नहीं देके उसको खुद के साथ खेलने देना चाहिए, वरना उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से कूदूंगी तो पापा दौड़ते आएंगे, जोर से चिल्लाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसको वो उसकी आदी हो जाती है। हाँ, वो उसमें ऐसा कर लेने लगते, डांटने में भी मजा आने लगता है उसको तो। हाँ, तो वो आपको समझना चाहिए कि ये उनकी साइकोलॉजी बन जाती है कि अगर पापा का ध्यान खींचना है तो मुझे बेड से जंप करना है, या सोफे के दूसरी ओर से उतरूंगी तो पापा तुरंत मेरे पास आएंगे या मम्मी तुरंत मुझे अटेंशन देगी। तो ये चीज को आपको समझना होगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा, और धीरे से उसको ये सब करती हो तब नहीं बोल के कोने से देख देख के कि वो कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रही है ना, ऐसा करके उसके अंदर से ये अटेंशन वाला निकालना पड़ेगा। जी सर। तब जाके उसके लगेगा कि नहीं, मैं खुद अकेली हूँ, अगर मैं कूदूंगी तो मुझे लगेगा तो कोई आएगा भी नहीं और मैं किससे मदद मांगूंगी, कोई तो है नहीं, ऐसा जब लगेगा तो वो खुद संभालना चालू हो जाएगी अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू।
गीता जी हैं जिनको सवाल पूछना है। गीता जी आपको अनम्यूट किया है हमने यहाँ से, आप अपना सवाल रख सकते हो। बेटा है जो टीनेज में है अभी, आप फिर से बोल सकते हो, हमने पहला नहीं सुना शुरुआत से। मेरा सन जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है अभी, मतलब 10th स्टैंडर्ड का मास प्रमोशन में क्लियर किया हुआ है। फिर अभी लास्ट 1.5-2 साल से जो लॉकडाउन का कंडीशन है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, शायद उस हिसाब से या कोई और वजह से पूरे दिन गेम खेलता रहता है। मेरा बहुत सिली क्वेश्चन है सर, मुझे पता है मेरा बहुत सिली क्वेश्चन है, तो पूरे टाइम गेम खेलता रहता है। अगर उसको 5 मिनट भी मिल जाए ना तो वो फोन लेके बैठ जाएगा और गेम खेलेगा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मतलब बाहर जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, पूरा दिन वो घर में अकेला ही रहता है। बहुत समझाया, बहुत प्यार से भी बोला, पर अभी कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मान सबसे पहले तो ये सिली क्वेश्चन नहीं है, ये हर माँ बाप की कोविड में समस्या है कि बच्चों को क्या दिया जाए या उनको क्या दे हम, कि जिसकी तरह से वो अपनी आपकी ग्रोथ में लगे रहे, कुछ ऐसा ना करे कि जिससे उनको नुकसान हो कुछ। तो शायद श्रवण भाई कुछ बता रहे थे कुछ दिन, आप श्रवण भाई बता रहे थे लॉकडाउन में क्या सिचुएशन हो रही है बच्चों की, आपको स्कूल में बहुत कुछ देखा होगा। यस यस, गैजेट को लेके बहुत सारे अभी पेरेंट्स के प्रश्न भी आ रहे हैं हमारे पास। और वैसे आप देखे तो सारे लोगों का, हमारा सबका भी डिस्प्ले टाइम, डिजिटल टाइम बढ़ गया है। तो अभी हाँ, हमारा सबका भी बड़ा है, बड़ों का भी बड़ा है, बच्चों का भी बड़ा है, तो उसमें बच्चों के साथ बैठ के बात ही करनी पड़ेगी। और गैजेट का दोनों पहलू है, एक उससे नॉलेज भी ले सकते हैं और उसमें टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारे उसको क्वेश्चंस आंसर अगर करेंगे माँ बाप तो बच्चे खुद ही समझते हैं धीरे धीरे करके। और एक दूसरा सर, मैं और मेरे हस्बैंड हम अपने बारे में बहुत पर्टिकुलरली है, जैसे सुबह 5:30 को उठना, वॉक पे जाना, हर चीज टाइम पे करना, डिसिप्लिन, मतलब वो लाठी वाला डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब करना वो हम दोनों में है। मेरे मतलब ससुराल के साइड भी सब पंचुअल है अपने टाइम में, मेरी मम्मी के साइड भी सब पंचुअल है, पर मेरे बेटे में बिल्कुल भी सीरियसनेस का नहीं है। अभी 10th उसने क्लियर किया है, तो मैं मतलब मैं उसको सुबह को उठाने से लेके वो रात को सोए तब तक हर बार मुझे उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता सर। ये तो देखिए, हर एक बच्चे का अलग व्यक्तित्व है, अलग अस्तित्व है, और उसका भी रिस्पेक्ट है। उसको आप बार बार बोलोगे तो उसके रिस्पेक्ट को बहुत टच होता है, उसको अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि बच्चा बड़ा है। सॉरी इंटरप्ट करती हूँ यहाँ पे, बहुत सब मैंने ओएसएस के बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने बहुत अच्छे लोगों से भी उसके मतलब इसके साथ डिस्कशन किया है। तो सिर्फ ऐसा रात को बोल के सोती हूँ कि बेटा सुबह अपने टाइम पे उठ जाना, उसको अलार्म भी दिया है, मैं नहीं उठाऊंगी, अपने टाइम से उठ जाना और हर चीज अपनी रात को ही सब टाइम टेबल के हिसाब से बुक अरेंज कर देना, ये सब कुछ मैंने किया था, पर अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सर उससे हर रोज। मैं एक बात बताऊं आपको, जो आपका ये इंसिस्टेंस है ना, ये इंसिस्ट करना कि बच्चा अपने आपके तरीके से करे सब, वो उनके उसके दिल में चुभ गया है, उसको फोर्स लगता है, उसको कहे बिना इनडायरेक्टली एक फोर्स महसूस करता है आपका बच्चा कि मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि ये सब कह रहे हैं। एक प्रयोग करके देखो अगर आप करना चाहते हो तो, कि कहना छोड़ दो कुछ दिन के लिए, कंप्लीटली उसको ये बताना छोड़ दो कि तू ये कर वो कर, कुछ नहीं, उसको अपनी आप में समझने दो कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर नहीं उठता है सुबह, उसका कुछ मिस हो जाता है तो एक दो बार मिस होने दो, क्योंकि क्या होता है एक प्रेशर उसके ऊपर इनबिल्ट हो गया है,
कि घर में सारे लोग सब टाइम पे करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो मुझे भी रहना है, पर अंदर से एक विद्रोह भी आता है कि क्यों ये सब मुझे करना पड़ेगा। जब तक उसकी खुद की सोच ऐसी नहीं हो जाएगी कि मुझे मेरे लिए करना है, नहीं कि फैमिली की है, मम्मी पापा के लिए और दादा दादी के लिए करना है, पर मेरे खुद के लिए मुझे सुबह उठना है या जो भी करना है, तब जाके वो कर पाए। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, 15 दिन का या 1 वीक का है, कि कुछ मत बोलो, उसको जो करना है करने दे, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। श्रवण भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? और एक हाँ, एक सेकंड में खाली कहना चाहूंगा कि इसमें खाली एक बात ऐड कर दो कि आप पूरा दिन का ऑब्जर्वेशन करके रात को खाली उसको एक बार अप्रिसिएट करो कि आज तूने ये अच्छा किया, बस ये खाली 6 दिन करके देखिए, फिर आप देखो क्या जादू होता है। यस अजीता जी, आपको होमवर्क मिल गया, अगले क्लास में आप होमवर्क करके आना, हम चेक करेंगे सबसे पहले। ओके, टाइम हो गया सेशन का, तो हम जिसको भी जाना है, क्योंकि 6:15 का टाइम था, तो प्लीज जा सकते हो आप, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और 2 सवाल अभी और है दीपिका जी का और गुड़िया का, सो गुड़िया जी का, सो वो अभी हम ले लेते हैं। दीपिका जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, तो आपको हम पहले अनम्यूट करते हैं, आप अपना सवाल रख सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर के आर सॉफ फाउंडेशन में काम करती हूँ। मैं बच्चों के साथ तो काम करती हूँ, लेकिन जब घर में प्रश्न आता है तो ऐसा होता है कि हम बच्चों को बच्चों जब खेलते हैं तो उसको हम तो खेलने देते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बार बार उसको टोकते हैं, और हम जब बुजुर्ग लोग को कुछ कहते हैं तो उसको तो बुरा लग जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो दीपिका जी, आपको ये सोचना है कि बच्चों का जो ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है या बुजुर्गों का बुरा लगाना, इसमें से आपको चॉइस दी जाए। चॉइस के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग तो बच्चों को उसका ग्रोथ करने देते हैं, लेकिन बच्चे जब खेलने लगते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसको बार बार टोकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बुजुर्गों को तो हम बदल नहीं सकते। हाँ, सही बात है ना। तो बच्चे को हम, आपके पास सगवर है, कुछ एक ऐसा माहौल है तो आप उसको बाहर जाके खेलने को बोलो जहाँ पे बुजुर्ग उनको देखते ना, और जब ये लॉकडाउन वगैरह है और घर में है तो उनको बोलो कि ऐसी जगह पे जाके खेले कि जहाँ बुजुर्गों को डिस्टर्ब ना हो, आप भी उनके खेलने में शामिल हो जाओ कभी कभी, कि कैसे उनको डिस्टर्ब किए बिना हम खेल सकते हैं। वो तो सही है, लेकिन ज्यादा समय हम बाहर तो नहीं रह सकते ना। तो ज्यादा आप बताते हो कि आपको घर में ही रहना है, बच्चों को बाहर जाने नहीं देना है, मैं समझता हूँ कोरोना है। यस, दो चीज कर सकते हैं, एक तो बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ मिलके तो आप पूरे फैमिली बैठ के कुछ फैमिली वैल्यूज बना दो, कि कब कैसे खेलना है, क्या खेलेंगे, आवाज करेंगे तो हमको नहीं बोलना है, ऐसा सब बुजुर्गों के सामने बच्चे को प्रॉमिस दिलवाओ। या मिलके और बुजुर्गों को भी बोलो कि आपको क्या प्रॉमिस चाहिए बच्चों से, ये वो आप बताओ, आमने सामने उनको बातचीत करने दो, फिर वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना करेंगे, तभी जाके ये पॉसिबल है, वरना तो डिफिकल्ट है कोरोना के इस माहौल में। एक खाली उदाहरण देता हूँ मेरे घर का, कि मेरे घर में भी ऐसा प्रॉब्लम है अभी, तो मेरी मम्मी ने और बच्चों ने बैठ के तय किया है कि दोपहर के टाइम पे मुझे आधा घंटा या 1 घंटे की नींद चाहिए,
तो तब आप घर में मस्ती नहीं कर सकते हो और तब वो टीवी देखते हैं बच्चे। और शाम को जब 5 बजे के बाद बच्चे को ज्यादा खेलना है तो मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं खुद आपके साथ बैठकर खेलूंगी या जो भी होता है वो करूंगी, लेकिन दोपहर में 1 घंटा मुझे शांति चाहिए। तो बच्चे भी समझते हैं और मम्मी भी समझती है, ऐसा आप कुछ कर सकते हो बैठ के। आपको उसमें उस दोनों के बीच में एक क्या बोलते हैं कि सुलह करानी है। ये बात तो सही है लेकिन वो नहीं हो पा रहा। आपने ट्राई किया कि दोनों के साथ दोनों सबको मिल के बैठ के हमको कैसा चाहिए वातावरण, क्यों ये सब हो रहा है, हमें उसका ये सब अपने जितने भी सभ्य है घर के सब मिलके बैठ के ये सोचा है। हाँ सर। बच्चों ने बताया अपनी बात कि हमको क्या करना है, बड़ों ने बताया उनको क्या करना है। बड़ों को तो बदल ही नहीं सकते, वो तो उसकी पहले की ही सोच लेके बैठे हुए है। थोड़ा मुश्किल है अभी भी आपको, ये कोरोना है इसलिए, वरना मैं तो यही बोलता है कि बच्चों को बाहर भेज दो खेलने के लिए, थोड़ा मुश्किल है। तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, थोड़ा और क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि कैसे बड़ों को कोरोना ना हो तो भी ज्यादा देर तो बाहर नहीं खेलने देते ना। तो अगर बहुत छोटे है तो बाहर नहीं खेलने देते, बड़े है तो बाहर खेल ही सकते। बड़े खेलना बाहर है नहीं, मेरी बच्ची 7 साल की है। हाँ तो वो तो बाहर खेल सकती है अगर कोरोना नहीं है तो। हाँ ओके थैंक यू सर। ओके यस लास्ट क्वेश्चन गुड़िया जी। यस लास्ट क्वेश्चन गुड़िया कुशवाहा जी आपके यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बोलिए। यस हम आपको सुन पा रहे हैं। मतलब 3 बेटियां हैं, तीनों स्कूल में ज्ञानदीप में ही पढ़ती हैं। तो मेरी बड़ी बेटी है तो वो तो पढ़ने में भी अच्छी, सब व्यवहार में भी अच्छी है, प्रीति कुशवाहा नाम उसका। और मेरी सबसे छोटी बेटी है वो प्रतिमा है, वो भी 4 में पढ़ रही है, वो भी अच्छी है। लेकिन मेरी बीच की बेटी है प्रज्ञा, उसको सर मैं इतना समझाती हूँ, पूरी चीज का फ्रीडम देती हूँ। फोन के लिए भी झगड़ा करती है तो सबसे झगड़ा करके उसको थोड़ा दिला देती हूँ, अच्छा ठीक है देख लो। फिर उसको बोलती बेटा पढ़ो, तो जिद से बोलती मैं पढ़ूंगी नहीं, तो उसके लिए सर मैं क्या करूं। हाँ वही मेरा बहुत मैं परेशान लोग को भी पता है कि उसके बारे में कितनी बार बोल चुकी हूँ। अभी घर में भी वैसे ही है। पहले तो आपको ये समझना ही होगा कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो उसकी यूनिकनेस कुछ अलग है। उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कौन सी चीज में इंटरेस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। सर वो डांस के लिए बोलती है, अभी डांस के लिए मैं क्या करूं इस समय बताइए, थोड़ा तो पड़ेगा ना सर। घर में भी मेरी बातचीत हो जाती, मेरे हस्बैंड से बोलते तू पैसा फेंक रही है, तो पर क्या करूं सर, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ। सही बात है, लेकिन उसकी यूनिकनेस के हिसाब से वो आपको देखना ही पड़ेगा और उसी हिसाब से उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बाकी आप जबरदस्ती करोगे तो तकलीफें आपकी बढ़ जाएगी। हाँ और दूसरा गैजेट को लेके जो प्रॉब्लम है, तो आप तीनों बच्ची के साथ बैठ के उसको टाइम एलोकेट कर सकते हो और आप उसको बता सकते हो, तो वो हिसाब से वो टाइमिंग के हिसाब से अपना गैजेट का यूज कर सकते हैं। तीनों को थोड़ा थोड़ा दे देते, लेकिन बोलते हाँ पूरा मस्ती मत देखो, मैं मस्ती वाला मत देखो, थोड़ा कुछ अपना काम का भी चीज ढूंढ लिया करो। हाँ हाँ हाँ। चलियो तो सारा दिन गाना सुनती रहती है, बहुत हैरान कर दिया मुझे। ओके मेहुल भाई आप कुछ कहना चाहोगे? एक ही बात बोलूंगा कि बच्चे को जितना मना करेंगे ना जी, उनका उनके अंदर एक विद्रोह खड़ा होगा। ठीक है, तब जितना रोकोगे उतना उसको ज्यादा मन होगा और वही करने को वो दौड़ेंगे। तो बैठ के मिलके बातचीत करके बैलेंस क्या है, बीच का रास्ता क्या है, जो श्रवण भाई बता रहे हैं वही आप कर सकते हो। उसको ही पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये कितना दिन में करना चाहते हो। फिर डांस, तो डांस देखने के लिए आपको वीडियो मोबाइल से इंटरनेट चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए।
एक घंटा आधा घंटा क्या होना चाहिए, ये सब मिलके बैठ के नक्की करो, फिर उनको वही हिसाब से करने दो। अगर चुकते हैं तो फिर से बैठो, फिर से थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो, तब जाके वो भी सीखेंगे कि हम घर में रहते हैं तो दूसरों का भी हमको सोचना पड़ता है। फ्रीडम है पर दूसरे की फ्रीडम पे हम क्या बोलते हैं, दूसरे की फ्रीडम को हम नहीं ले सकते अपने फ्रीडम के लिए, वो सब भी सोचना है। तो तीनों लड़कियों को बैठ के और आप और आपके पति पांचों मिलके कुछ वैल्यूज डिसाइड करो कि कौन क्या कैसे यूज करेगा, कितना इंटरनेट यूज होगा, कितना उसको पढ़ाई करना है तो क्या करेंगे, वो उनको ही डिसीजन लेने दो और वही डिसीजन को उनको करने दो। सर लेकिन जब पढ़ेंगी नहीं तो आगे मैं कैसे करूंगी, सर पढ़ाई भी थोड़ा जरूरी है ना। नहीं, मैं समझता हूँ अगर अगर उसको पढ़ाई में मन नहीं है तो उसके ऊपर थोपने से और भी वो दूर हो जाएगी पढ़ाई से। आप एक बात समझ लो, हर रोज बोल बोल करने से उसके दिमाग में ऐसा ही होगा कि अभी तो मैं पढ़ाई करूंगी ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। उसके बजाय उसको ही पूछो कि अगर आप 12वीं पास करना चाहती हो या पढ़ाई के टाइम पे तो जाऊंगी स्कूल, पढ़ूंगी, नोटबुक सब कुछ उसको लाके दे देती हूँ सारे बच्चों की तरह, लेकिन फिर जब पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ती नहीं, खाली स्कूल जाएगी और कोचिंग लगा दो तो वहां जाएगी, घर में एक किताब नहीं उठाएगी और उसका अक्षर भी सही नहीं आता है, जो पूछती हो सही से बताती भी नहीं। उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट समझ लीजिए अगर 10% का मार्क्स है तो उसमें से 3% आएगा, 5 भी नहीं आएगा, यानी पास नहीं हो पाती है, क्या बोल रहे हो जी? फेल होती है? नहीं फेल नहीं होती, फेल पास वो तो निकल जाती है, 8वीं भी निकल गई है अभी, इस बार 9वीं जाएगी, लेकिन पढ़ती नहीं सर वो, मुझे पता नहीं कैसे निकल रही, वो मुझे खुद ही नहीं पता, पहाड़े तक नहीं आते उसमें पूरे 20 के। अगर किसी को डांसर बनना है तो वो पहाड़े रट के क्या करेंगे? वो भी तो हमको सोचना है ना। को भी बात सही है सर, प्लीज कुछ मतलब सजेस्ट कर दीजिए ताकि मैं उसको कुछ समझा पाऊँ, मैं तो परेशान हो गए उससे। कि उसको आप ही समझ पाओगे और समझा पाओगे कि हर बच्चा, जैसे श्रवण भाई ने बताया कि हर बच्चा जो यूनिक है उसके अंदर जो टैलेंट है उसी को बाहर निकालना है, नहीं कि उसको जबरदस्ती पढ़ा के ऐसी बनाए कि जो वो नौकरी करे, ये करे और कमा पाए। जी जी, वो नहीं, अगर वो नहीं चाहती है तो वो कुछ भी आप करेंगे नहीं हो पाएगा। उसके बजाय उसको बोलो कि आप 12th पास हो जाओगे और बाद में आपको कुछ करना है, डांस वगैरह सीखना है तो आपको खुद अपने पैरों पे कुछ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ सर, वो डांस के लिए बोलती है लेकिन अभी घड़ी में कितने बजे वो पूछो तो वो टाइम भी नहीं बता पाएगी, दीवार घड़ी जो आती है ना उसमें वो मुझे टाइम बता पाती, तो मैं कैसे उसको आगे क्या करूं। श्रवण भाई क्या बोलेंगे आप? सर मैं मतलब उसके भविष्य की मुझे बहुत चिंता है, मेरे 4 बच्चे, लड़का भी है मेरा वो भी अच्छा पढ़ाई में है, 2 बेटियां भी अच्छी है पढ़ाई में, खाली ये प्रज्ञा थोड़ा अलग दिमाग की है। तो सही है ना, अलग दिमाग की है तो उसको जो करना है वो करे। आप सभी को एक तरह से क्यों एक बनाना चाहते हो, सभी एक तरह से हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। किसी भी फील्ड में तो आगे रहे, डांस कर वो भी अच्छा से करे, वहां पे सर डांस करवाते थे उसमें भी मैंने छोड़ा था तो उतना उसको डांस भी नहीं आया, 2-3 महीना सर करवाए थे, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लैकिंग हो रहा है बच्ची का, तो आपको देखना चाहिए बहुत अच्छे से कि इसका कॉन्फिडेंस कहाँ पे लैक हो रहा है, क्या मुझे आपको बैठ के बात करनी चाहिए उसके साथ और सही में एप्रिसिएशन करना चाहिए उसकी, क्या अच्छाई है वो आपको देखनी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी चीज उसके अंदर अच्छी नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा ही और कुछ तो वो आपको ढूंढना ही पड़ेगा उसके अंदर से। और वो हाँ, तो नीचे खेलने भी बहुत जाती थी, डांटी अभी बेटा तुम बड़ी हो गई हो नीचे खेलने मत जाओ, तो वो अभी घर पे रहती है, नहीं तो छोटे बच्चों के साथ निकल जाते, एक दो बिल्डिंग में घूम के आ जाती जिधर मैं कभी नहीं गई।
तो अभी वो इतना अच्छा हुआ कि मेरी बात मानती बाहर नहीं निकलती है, ये इतना अच्छा हुआ है उसके अंदर। ये पढ़ाई वाला मेरा मैटर वही के वही है। आप ढूंढने की कोशिश करिए, आपकी बेटी के अंदर बहुत अच्छाइयां भी है। आप हर रोज एक अच्छाइयां लिखिए उसी रात को और उसको बताइए, आप बता सकते हो तो, फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप उसके साथ एक हफ्ते के बाद बैठकर बहुत ही अच्छे से बात करिए। फिर भी आपको ऐसा कुछ दिक्कत लगे तो आप अगले सेशन में वापस यहाँ पे प्रश्न अपना रख सकते हो। जी सर। ओके, थैंक यू। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, श्रवण भाई आपके स्कूल में है उनकी बच्ची, तो आप उनको एग्जाम के ऐसे के तैसे बुक आप दिलवा सकते हो। तो अगर वो पढ़ेंगे तो शायद कुछ सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा उनको। यस यस यस। ओके, सो इसके साथ हम ये सेशन का अंत लाते हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेक्टिव था। हम आशा रखते हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ मदद हुई होगी ये जर्नी में, पेरेंट्स की जर्नी में। सो पेरेंट की जर्नी मुश्किल है, हम सभी ने सुना कि कितनी परेशानियां होती है अंदर से, क्या बोलते हैं, अंदर से वो ले जाती है, वैक्यूम क्रिएट करती है आपको, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल। सो ये जर्नी है, लर्निंग की जर्नी है, आप ये शुरू रखिएगा जर्नी। एवरी फ्राइडे वी विल हैव सच अ सेशन कि जहाँ पे हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का मुद्दा एक निकला था किसी ने, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, पूरा टॉपिक ही वही होगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से इंसाइट्स, ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। सो हम मिलते रहेंगे। कल एक और सेशन है, जितने भी पेरेंट्स हैं, खासतौर पर बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, कल सामर्थ्य यानी कि ओएसएस का गर्ल्स का प्रोजेक्ट है, जो हम मानते हैं कि लड़कियां खुद कैपेबल हैं, उनको कोई एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जरूरत होती है उनको खुद में बिलीव कराने की। तो ये सेशन है, खासतौर पर बच्चियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चियों के लिए है। कल हम दो ऐसी महिलाओं की कहानी सुनने वाले हैं 4 बजे, कि जिन्होंने सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी को चुप करा है। टॉपिक का नाम ही है डियर सोसाइटी जस्ट शट अप, टॉपिक का नाम है, तो उसमें हम कहानियां सुनेंगे। एंड उसके बाद का जो सेशन है, हम उसमें आगे सवाल कैसे उठाए, है ना, सोसाइटी लड़कियों को, महिलाओं को बहुत सफोकेट करती है, अलग नजर से देखती है, अलग तरीके से ट्रीट करती है, अलग एक्सपेक्टेशन रखती है, उसके लिए हम वो दलदल से कैसे बाहर आ सकती है महिलाएं हम लड़कियाँ। दैट इज द पर्पज ऑफ द सेशन। कल 4 बजे पहला शेयरिंग सेशन है ना, 5:15 को होगा दूसरा वाला सेशन, तो सेम लिंक होगी, सेम प्लेटफॉर्म जूम, आप आइएगा, आपकी बेटियों को भी भेजिएगा ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। एंड बहुत शुक्रिया सभी ने अपने दिल से जो प्रॉब्लम्स शेयर किए सभी पेरेंट्स को। मेहुल भाई, श्रवण भाई, थैंक यू सो मच, आपके एक्सपीरियंस का, आपके नॉलेज का सभी को कहीं ना कहीं पे बहुत हेल्प होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड सी यू। थैंक यू जय, थैंक यू ऑल, एंड हैव अ गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग।